हमारे दो खास मेहमान राज्यसभा सांसद और जोरदार प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी, स्वागत है आपका सुधांशु जी। मेरे साथ है कांग्रेस की विपक्ष का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस की धाकड़ प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र जी। सुप्रिया जी स्वागत है आपका, आइए प्लीज सुप्रिया जी आइए। सुप्रिया जी और सुधांशु जी स्टूडियो में आ गए, जोरदार तालियां हो, आइए सुधांशु जी। तो एक सार्थक बहस हम करने जा रहे हैं। मेरा जो सबसे पहला सवाल है, शुरुआत करूंगा मैं आपसे सुधांशु जी, आप अपना पक्ष रखिए और बताइए कि पिछले 9 साल में ऐसा क्या हुआ जो देश में उससे पहले नहीं होता था, ऐसा क्या हुआ कि आज के भारत को आप न्यू इंडिया कहते हैं। इसके लिए मैं कोट करना चाहूंगा कि 16 मई 2014 को चुनाव परिणाम आए और मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला। 18 मई 2014 को लंदन के संडे गार्डियन ने लिखा कि 16 मई 2014 का दिन शुड बी कंसीडर्ड एज इंडिया सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी एंड इट शुड बी कंसीडर्ड विद द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया, क्योंकि उसने कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक ऐसे लोगों का शासन रहा जिनकी विचार और प्रेरणा में ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी यानी ब्रिटिश औपनिवेशवादी विरासत का प्रभाव था। पहली बार एक ऐसे दल या संगठन के हाथ में पूर्ण सत्ता आई है जिसके ऊपर कोई विदेशी प्रभाव नहीं है। अब हुआ क्या उसके आने के बाद? 50 करोड़ लोगों को जनधन खाता मिला, 55 करोड़ लोग आयुष्मान भारत में यानी जिसमें स्वास्थ्य का बीमा था उससे कवर हुए, 5 करोड़ लोग उसका लाभ भी ले चुके हैं, हर गांव में बिजली पहुंची। वो लोग भी करने का प्रयास कर रहे थे, कहिए देखिए मैं कहता हूं 3 प्रकार के कार्य होते हैं, एक जो पिछली सरकारें भी कर रही थी हमने भी किया, ज्यादा तेज गति से किया, ट्रांसपेरेंसी से किया, कुछ जो पिछली सरकारें सोच रही थी और हिम्मत नहीं कर पाई वो किया और कुछ जो पिछली सरकारें सोच ही नहीं पाई। तो बिजली पानी सड़क उसमें हमने क्या किया सारे डिटेल्स आपको मिल सकते हैं, जो इन्होंने सोचना था मगर कर नहीं पाए जैसे GST हमने वो इंप्लीमेंट करके दिखा दिया। तीसरी कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये सोच भी नहीं पाए होंगे, जैसे सोलर एनर्जी में भारत बहुत आगे बढ़ा वो तो एक अलग बात है, मगर एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनेगा और उसका केंद्र भारत में होगा, यानी हम विश्व में सौर ऊर्जा के नेता बन के उभरेंगे, ये किसी को समझ में नहीं आया होगा। यह बदलाव हमारे टाइम में आया। प्रति व्यक्ति आय 86,000 रुपए थी, अब 1,82,000 रुपए हो गई यानी डबल हो गई, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 2nd नंबर की दुनिया में देश बन गए, कार मैन्युफैक्चरिंग में भी 3rd नंबर के देश बन गए, सौर ऊर्जा में हम बहुत आगे निकल गए। और बाद में कहूं क्या बदलाव आया, आज श्री राम जन्मभूमि का उभरता हुआ मंदिर देखिए, महाकाल का कॉरिडोर देखिए, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखिए, और इतना ही नहीं उभरता हुआ भारत की शक्ति का प्रतीक नया संसद भवन देखिए। तो यह बदलाव आया कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा। सुप्रिया जी इन्होंने एक बहुत लंबी फेहरिस्त बताई कि इन्होंने क्या क्या किया, उसमें अंडरलाइनिंग पार्ट यह भी था कि कौन सी चीजें जो आपने सोची आप नहीं कर पाए और कौन सी चीजें जो आपने सोची नहीं वो भी इन्होंने कर दिया। आप लोग कहते हैं कि इन्होंने कुछ किया नहीं, ये न्यू इंडिया नहीं है, आपका तर्क क्या है? नाकामी के 9 साल इसको ऐसे ही नहीं कहा जाता है, ये 9 साल अद्भुत थे क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे जुमले हमने सुने जो हमने कभी नहीं सुने थे। मैं छोटी सी बात कहकर अपनी बात शुरू करती हूँ। आज हर व्यक्ति बैंक जा रहा है अपना 1 या 2 या गड्डी 2000 की बदलने के लिए, जो 7 साल अपना लाया हुआ रुपया नहीं चला पाए वो 70 साल का हिसाब मांगते हैं और 9 साल का सीना ठोक रहे हैं, ये इनकी असलियत है। अब आपको मैं क्रमवार तरीके से बता देती हूँ इस देश ने क्या देखा। इस देश ने 9 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देखी और बेरोजगारी ऐसी देखी कि जब आप सरकार से सवाल पूछिए तो इस देश ने सुना पकौड़े तलो। इस देश ने महंगाई देखी और जब महंगाई का मुद्दा उठाया गया तो कहा गया हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। इस देश ने सुना, आगे सुनिए, इस देश में बोला गया 15-15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, 83% जनता की आय कम हो गई है। और आज इंडियन एक्सप्रेस की खबर है फ्रंट पेज की जिसमें पूरी तरह से अंकित है कि एग्रीकल्चर लेबर, नॉन एग्रीकल्चर लेबर और दिहाड़ी मजदूर सबसे ज्यादा प्रताड़ित है, 2014 से उसकी आय नेगेटिव हुई है।
ये इनके कीर्तिमान है। लेकिन अब क्योंकि बात हो ही रही है, जो तथ्य इन्होंने दिए, कार मैन्युफैक्चरिंग, 7 बड़े ऑटोमोबाइल जायंट्स भारत में अपनी दुकान बंद करके चले गए, चाहे वो जीएम मोटर्स हो, चाहे वो फियट हो, चाहे वो एनफील्ड हो, अपनी दुकानें बंद करके चले गए क्योंकि उनको भरोसा नहीं है सरकार की नीतियों पर। ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, इस देश ने एक चीज बहुत बड़ी देखी, इस देश ने एक ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो कहते थे चीन को लाल आंख दिखाएंगे, और जब चीन अतिक्रमण करके बैठा है तो प्रधानमंत्री लाल शर्ट पहन के उनकी जी हजूरी के लिए अपने खाने की थाली छोड़कर खड़े हो जाते हैं। इस देश ने एक ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो चीन को सबक सिखाने के बजाय 3 साल से चीन को अपने सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनाया हुआ है। चीन और हमारा ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन है। इस देश ने मिजोरम और असम के बीच में गोलियां चलती हुई देखी, इस देश ने कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में तनातनी देखी जहां पर भाजपा की शासन है भूमि को लेकर, इस देश ने मणिपुर को जलते हुए देखा, लेकिन प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के मुंह पर एक जरा सी शिकन नहीं देखी। इस देश ने तैरती लाशें भी देखी, ये देश सब कुछ देखता है। और अब देश ये भी देख रहा है कि भारत के संसद का उद्घाटन होने जा रहा है, और भारत का संसद क्या है यह हमारा संविधान बताता है। अनुच्छेद 79 क्लियरली कहता है इंडियन पार्लियामेंट का मतलब है राष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति को दरकिनार करके ये मोदी शो जो हो रहा है यह भी देश देख रहा है, किराए के लोग ले जाकर जो बाहर शो होता है वो भी देश देख रहा है। और यह देश आज एक सवाल पूछ रहा है, जब रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बने आपने कहा दलित राष्ट्रपति हैं, दलित राष्ट्रपति है, आपने बहुत ढिंढोरा पीटा, अच्छी बात है, उनको शिलान्यास के लिए क्यों नहीं बुलाया गया, क्या राष्ट्रपति का हक नहीं है? आज एक अनुसूचित जनजाति की महिला इस देश की राष्ट्रपति है, उनको इस हक से वंचित क्यों किया जा रहा है? ये सवाल सब पूछ रहे हैं और आज इतिहास बन रहा है। और मैं अपनी बात यही कहकर खत्म करती हूं कि इतिहास मोदी जी को लगता है इमारतों से बनता है, जी नहीं, इतिहास ना इमारतों से बनता है ना 9 साल में बनता है, इतिहास तब बनता है जब 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद आप रोना नहीं रोते, अपना दुखड़ा नहीं रोते, आप IIT, एम्स, ISC, बार्क, इसरो जैसी संस्थाएं बनाते हैं, इतिहास तब बनता है जब आप जय जवान जय किसान का संकल्प लेते हैं, इतिहास तब बनता है जब विश्व की आंख में आंख भाग डाल के पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते हैं और विश्व का भूगोल बदल देते हैं, इतिहास तब बनता है जब 19वीं सदी के भारत में आप 21वीं सदी की IT और टेलीकॉम रेवोल्यूशन की नींव रखते हैं, इतिहास तब बनता है जब 1991 में आप अपनी इकोनॉमी को खोलते हैं और ग्लोबलाइजेशन का एक अहम हिस्सा बनते हैं, इतिहास तब बनता है जब 2004 से 14 के बीच आप 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा के ऊपर खींचते हैं, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे कानून लाते हैं। एक ऐसा अधिनियम बताएं जो लाए इन्होंने 23 करोड़ लोगों को इस देश में गरीबी की सीमा के नीचे ढकेलने का काम किया है, ये इनके 9 साल का फलसफा है। कोई एक ऐसा अधिनियम बताइए जो आपने जिसमें बहुत मेजर चेंजेस लाए हो, सुप्रिया जी ने आपको चैलेंज किया है, सुधांशु जी अभी इनके और उसमें यही अंतर है, ये नियम बनाते थे, मोदी सरकार ने 2000 ऐसे नियम समाप्त किए हैं जो रिडंडेंट अप्रासंगिक हो चुके थे, व्यर्थ के हो चुके थे, पर केवल सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए बने हुए थे। मैं उदाहरण बताना चाहता हूं, एक अमित शाह जी ने मुझे स्वयं बताया था कि जब वो गृह मंत्री बने गुजरात के, तो जानते क्या था, 1965 की लड़ाई के समय गुब्बारे पाकिस्तान की तरफ से आते थे, वो कुछ पेपर डाल देते थे भारत की तरफ, तो हर हफ्ते पुलिस की रिपोर्ट आती थी कि इस साल कोई गुब्बारा नहीं आया। अरे भैया, सैटेलाइट का जमाना आ गया और गुब्बारे का नियम बना हुआ, नियम का पालन हो रहा था, ऐसे एब्सर्ड रूल्स को हटाने का काम किया, ये हमारी इनकी सोच में अंतर है। अब जो इन्होंने बोला, अब मैं सिर्फ फैक्ट्स बोल देता हूं बजाय इसके कि जैसे इन्होंने कुछ कहा ये हुआ वो हुआ। क्रिस्टीना जॉर्जिवा IMF की चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि अगले साल भारत दुनिया में 15% ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करेगा, वर्ल्ड की ग्रोथ में 15% कंट्रीब्यूट करेगा। हमारी सरकार आने से पहले हमारा ग्लोबल GDP में 2.4% का हिस्सा था, अब 9% से ऊपर का। और इन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, तो मैं मानता हूं, सुनिए, जब मोबाइल हैंडसेट हम सब यूज करते हैं, जब हमारी सरकार आई तो हम सेकेंड बिगेस्ट कंज्यूमर थे, क्योंकि हमारे यहां सबसे ज्यादा आबादी भी है, दूसरे नंबर पर, अब नंबर 1 पे हो गई। पर पता है 92% मोबाइल हैंडसेट बाहर से आते थे, आज हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, 97% मोबाइल हैंडसेट हमारे बनते हैं, वो बनाने वाले कोई थोड़ी है, वो तो आसमान से कहीं जिन्नात आके बना रहे होंगे। 37 किलोमीटर पर डे
अगर रोड बन रही है तो ये भी कोई रोजगार थोड़ी सृजित हो रहा है, वो कोई हवा से आके बना रहे होंगे। 3.5 करोड़ मकान बन गए प्रधानमंत्री आवास, वो भी किसी ने आके हवा में बना दिए होंगे, उसके लिए भी ऐसी क्या जरूरत थी। कार मैन्युफैक्चरिंग में आज 7.5 करोड़ परिवार भारत के ऐसे इनके पास कार हो गया, वो कार भी किसी ने आके हवा में बना दी होगी इसलिए। और इन्होंने कहा विदेशी कंपनियां चली गई, बिल्कुल, अरे हमारी देशी कंपनियां अब उस लेवल पे आई, महिंद्रा एंड टाटा, टाटा ने आर्सेलर को खरीद लिया, दुनिया की टॉप की कंपनियों में से एक आर्सेलर को खरीद लिया।